नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो। और दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मुख्यमंत्री की यात्रा चल रही है और शिक्षा विभाग बिल्कुल अलर्ट पे है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है आप उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल पर जो भी चीज़ें अपडेट हों वो आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। आज का जो हमारा विषय है वो है कि शिक्षा विभाग को किया गया है अलर्ट, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के विकास समीक्षा यात्रा को लेकर जिला के शिक्षा विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। इसको लेकर गुरुवार को DDC की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है। बैठक में शिक्षा विभाग की समूची गतिविधियों का विस्तृत जायजा लिया गया। बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग को अलर्ट किया गया है। इसको लेकर DDC ने सभी वीडियो को स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बैठक में DDC ने स्कूलों में MDM से लेकर पठन पाठन तथा पानी शौचालय की व्यवस्था को भी अपडेट रखने का निर्देश दिया है। स्कूलों में खराब पड़े चापाकलों को ठीक कराने तथा मृत हो चुके चापाकलों को हटाकर नए चापाकल लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूलों में चलाए जा रहे दोपहर का भोजन योजना यानी कि MDM की गुणवत्ता तथा निर्धारित मेनू का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी एवं CRCC को दी गई है। समय पर शिक्षकों की उपस्थिति, समय से क्लास संचालन का भी टास्क DDC ने शिक्षा विभाग के ऑफिसर को दिया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा यात्रा को लेकर सारे अफसर जोर शोर से विभाग को दुरुस्त करने में लगे हैं ताकि कहीं से कोई भी गड़बड़ी ना हो और सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाए। तो दोस्तों, ये तो पॉलिटिकल इशू है। जब भी कोई राजनीतिक यात्रा होती है तो सारे अफसर हमारे चौकन्ने हो जाते हैं विभाग को ठीक करने में, और फिर जैसे ही वो ख़त्म होगी यात्रा वो जस का तस स्थिति हो जाएगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।